Start. Okay. So, dear students, today we will study a topic when you are old, brood over your past. It's very interesting creation by W.B. East. So, first of all, we have to know about W.B. Its full name is William Butler Yeats. He was born in 1865 and died in 1939. He was an Irish poet. Irish poet means what? One who inhabitants of Ireland. So he is an Irish poet. Yeats started writing poetry when he was 17 and was heavily influenced by poets like P.B. Seeley and Edmund Spenser. Dear students, अभी हम लोग जानेंगे कि William Butler Yeats किस तरह के poet थे, उनका inspiration कौन था, वो कहाँ से प्रेरणा पाते थे रचना को करने के लिए, means poem को लिखने के लिए. So, यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं ये इरिश पोएट किस तरह से अफेक्टेड है पीबी सेली के द्वारा और एडमंड स्पेंसर के द्वारा. बहुत बेहतरीन पोएट अपने समय के थे वो, और उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में ही रचनाओं को लिखना प्रारंभ कर दिया, कविताओं को लिखना प्रारंभ कर दिया. ही स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स at the age of 17. Now, The Wanderings of Ossian and Other Poems was its first collection of poems. We can see here, Wandering of Ossian and Other Poems was its first collection of poems. ये इनका पहला collection है. किसका? Wandering, The Wanderings of Ossian. William Butler Yeats का पहला कलेक्शन है ये, कविता का इन्होंने लिखा था. Published in 1889 और उन्होंने इसको प्रकाशित किया था 1889 में. कौन से साल में प्रकाशित हुआ? 1889 में. It instantly won him the reputation of a significant poet. देखिए ऐसा हुआ कि जब इन्होंने लिखना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने एक कविता का कलेक्शन लिखा जो द वांडरिंग्स ऑफ ओसिन है, वो इसके बाद बहुत फेमस हो गए अपने जगह के, और बेहतरीन पोएट में वो गिने जाने लगे. रेपुटेड कलेक्शन थे उनके पास इसलिए, और उनका रेपुटेशन और बढ़ता जाने लगा. राइट. हिज अदर मेजर वर्क्स आर इन द सेवन ओड्स. अभी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उनका दूसरा भी प्रमुख रचनाएं हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं द सेवन ओड्स में, जो कि 1903 में पब्लिश हुआ. राइट. द सेवन ओड्स 1903. इनके अदर मुख्य कविताएं जो थी उन्होंने उसको पब्लिश किया. नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज and other poems. अभी ये दूसरा रचना है, ये भी Responsibilities and other poems 1916 में उन्होंने इसका रचना किया. And the winding stair. फिर उसके बाद उन्होंने एक और रचना को रचित किया, The winding stair and other poems in 1933. इन्होंने एक के बाद एक जो इनका जो कंपोजिशन था ये बढ़ता जा रहा था, जिसके वजह से इनकी प्रसिद्धि में भी वृद्धि हो रही थी. राइट. ही वॉज फेमस एट दैट मोमेंट एज लाइक पीबी सिले एंड एडमंड स्पेंसर. बोथ ऑफ देम वर ग्रेट पोएट अकॉर्डिंग टू एट दैट इज यू नो सो देवर एंड एज लाइक देम
you know, here Mr. William Butler Yeats, he was also performing the same way. और ये भी उसी तरह से वर्क कर रहे थे, बहुत बेहतरीन रचनाओं को दे रहे थे और बहुत बेहतरीन स्थान को उन्होंने प्राप्त कर लिया था अपने एजुकेशन सॉरी अपने कविताओं के माध्यम से. When you are old is a comic adaptation of a poem. अभी देखना है जो हमारे पास जो टॉपिक है, When you are old, brood over your past. जब आप बूढ़े होते हैं तो आप क्या करते हैं? अपने पास्ट को लेकर चिंतित होने लगते हैं. मतलब पास्ट में आपने क्या क्या किया, है ना. जब बूढ़े हो जाते हैं हम लोग तो हमें याद आती हैं कि हमने अपने समय में, जब हम यंग थे तो उस समय हम लोगों ने क्या किया. हर एक व्यक्ति का ये फीलिंग है, हर एक जनमानस का ये दस्तूर है कि जब वो बुजुर्ग होता है, बूढ़ा होता है, तो उसे बीते हुए दिन सारे याद आते हैं. उसने अपने जीवन को कैसे व्यतीत किया, उसने हर एक पल को कैसे जिया, वो सारी बातों को एक एक करके वो रिकॉल करता है, याद करता है, ठीक है. और इसी चीज को बड़े ही कॉमिक ढंग से एक्सप्लेन किया गया है इनके कविता में, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं. When you are old is a comic adaptation of a poem, right? Of the same name by Yeats, right? The poem was first published in The Rose in 1893. इस कविता को सर्वप्रथम रोज में पब्लिश किया गया 1893 में. कौन सी कविता? द पोम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द रोज इन 1893. इस कविता व्हेन यू आर ओल्ड जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इस कविता को पब्लिश किया गया 1893 में. इन 1889 1889 में क्या हुआ? When Yeats published his first collection of poems, he also met a 23-year-old English heiress and Irish revolutionary Maud Gonne, with whom the young poet instantly fell in love. अब जरा देखिए क्या होता है. फिर 1889 में जब उन्होंने अपने जो कलेक्शन ऑफ पोम्स था उनको जब उन्होंने पब्लिश किया, तो उसके बाद वे एक 23 वर्षीय एक इरिश लड़की से मिलते हैं, राइट, जो कि बहुत खूबसूरत होती है दिखने में और अट्रैक्टिव फेस होता है, और उनसे उनको प्यार हो जाती है. That means he fell in love, right? Instantly, देखते ही समय उनको उनसे प्यार हो जाता है और आगे की कहानी शुरू होती है, जो भी है. With whom the young poet instantly fell in love. कौन सी लड़की? Maud Gonne, right? जो कि एक इरिश क्या है, रिवोल्यूशनरी थी उस समय की, बहुत सुंदर दिखने में थी और उनके विचारों से शायद ये प्रभावित हुए थे, तो इनसे उनको प्रेम हो जाता है. आगे हम लोग पढ़ते हैं. इट्स लव फॉर हर इज इमोर्टलाइज्ड इन मेनी ऑफ हिज पोम्स. अभी देखिए इसमें इट्स ने वर्णन किया है बहुत सारे अपनी कविताओं में अपने प्रेम, मतलब अमर प्रेम की घटनाओं को, अमर प्रेम के फीलिंग्स को इन्होंने बहुत सारे अपने पोएम्स में एक्सप्लेन किया है, राइट, अपने पोइम्स में इनको रचित किया है ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे. और इमोर्टलाइज्ड लव था ये, इमोर्टलाइज्ड इन मेनी ऑफ हिज पोइम्स. और आज के दिनों में भी अगर हम लोग इनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो उनके प्रेम को हम लोग उसमें देख पाते हैं जो अमर हो चुका है. इंक्लूडिंग द वन यू आर गोइंग टू रीड नाउ, और अभी जो हम लोग पढ़ने जाएंगे, व्हेन यू आर ओल्ड Brood over your past, ये पोएम है इनका जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जाएंगे. हम लोग नेक्स्ट ये जो पोएम है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.